गुजरात के सूरत में मॉनसून के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कॉरपोरेशन के अधिकारी खुद मैदान में उतरकर प्री मॉनसून कार्यवाही का जायजा ले रहे हैं। मॉनसून अब लगातार नजदीक आ रहा है, ऐसे में गुजरात के सूरत में भी कॉरपोरेशन प्री मॉनसून कार्यवाही में जुट गया है। मॉनसून को ध्यान में रखते हुए पालिका तंत्र ने कार्यवाही की शुरुआत कर दी है। इसी के तहत सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ सभी बरसाती कांस का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ पालिका के डिप्टी हेल्थ कमिश्नर आशीष नायक समेत के जोनल अधिकारी उपस्थित रहे। कांस में जो कचरा एकत्रित हुआ है उसे बाहर निकलने की सूचना इस मौके पर दी गई। निचले इलाकों में पानी भरने से बरसाती कांस में कचरे से निचले इलाकों में पानी भर जाता है, ऐसे में पालिका की कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने खुद फील्ड पर जाकर सभी कांस की सफाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मौके पर फ्लड गेट समेत के कांस का मेंटेनेंस रखने की सूचना भी अधिकारियों को दी गई है। सूरत महानगर पालिका ना विविध विभागों ने जोन कक्षाए थी समग्र सूरत शहर में प्री मॉनसून कामगिरी करवामां आवी रही छे। खास करीने सूरत शहर में विविध खाड़ीओ पसार थाय छे अने एमनी झुंबेश सूरत महानगरपालिका तरफ थी साफ सफाई झुंबेश करवामां आवी रही छे। एमना सिवाय स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, इनलेट चेम्बर्स, मेन होल चेम्बर्स, ढाकन वगैरह ने रिपेर्स, मेंटेनेंस, फ्लड गेट्स ना रिपेर्स अने मेंटेनेंस नी कामगिरी करवामां आवी छे। आजे अमे विविध विभागों साथे समग्र सूरत शहर ना विविध झोन्स में जे पण प्री मॉनसून कामगिरी थई छे, साफ सफाई थई छे, गाड़ी नी साफ सफाई थई छे, एमनू इंस्पेक्शन अने एमनी कामगिरी जोवा माटे टीम साथे इंस्पेक्शन्स करी रह्या छे। गुजरात के सावली में पुलिस की निष्क्रियता के बीच स्टेट मॉनिटरिंग स्टेट ने खुद जुआ खेलने वालों पर छापेमारी कर सनसनी मचा दी है। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली के वाकानेर गांव में स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने छापेमारी कर जुआ खेलने वाले लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। कई जुओं के अड्डों पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने छापेमारी करते हुए 9 जुआरियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। जुआ खेलने वाले इन 9 जुआरियों के पास से 3 लाख रुपए नकद, एक बुलेट समेत की 6 बाइक, 1 रिक्शा और 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। साथ ही 1 टेबल फैन, लाइट समेत का मुद्दा माल बरामद कर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। 3 लाख नकद समेत 7 लाख के मुद्दा माल के साथ 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर उन पर कानूनी कार्रवाई भादरवा पुलिस कर रही है। गुजरात के वडोदरा में पर्यावरण संरक्षण में काम करने वाले संस्थाओं को बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वडोदरा में सालों से बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल संस्था कार्यरत है, जो उद्योगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देती है। इस संस्था द्वारा GHKC ग्रीन एनवायरमेंट कॉन्टेस्ट 2022-2023 का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 25 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। उनमें से बेहतरीन कार्य निष्पादन वाली संस्थाओं को एक्सलेंस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। इस मौके पर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल नई दिल्ली से आए डायरेक्टर जनरल एस गोपाल कृष्णन और मोटिवेशनल स्पीकर ज्ञान वत्सल स्वामी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर विजेता संस्थाओं को बधाई देते हुए कंपनियों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर मार्गदर्शन दिया गया। गुड हाउसकीपिंग, एनर्जी क्वालिटी, एनवायरमेंट एंड गुड हाउसकीपिंग का गुजरात सेफ्टी का एक कॉन्टेस्ट रखा था, तो वो कॉन्टेस्ट जो रखा था तो उसमें 25 ऑर्गेनाइजेशन को भाग लिया था, उनको अवार्ड देना था। अवार्ड देने के लिए आज आए थे हमारे जो नेशनल प्रोडक्ट काउंसिल के DG डायरेक्टर जनरल मिस्टर KS गोपाल कृष्णन जी, और वो कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर के NPC उसके अंडर में आती है और BPC उनके साथ एफिलेटेड है। साथ में हमारे आए थे जो बाप्स के प्रखर वक्ता है और जो जीवन के कोच है, तो वो लोगों को सही दिशा में जीने के लिए जो राह बता रहे हैं, वो ऐसे ज्ञान वत्सल स्वामी भी आए थे। उन्होंने आज हाजिर रहे हुए सब पार्टिसिपेंट, स्टार्स एंड विनर्स और दूसरे जो गेस्ट ऑफ BPC और BPC के मैनेजिंग कमेटी और अलग अलग बड़ौदा की संस्थाओं वाले जो आए थे, उनको एक मार्ग बताया प्रोडक्टिविटी, माई प्रोडक्टिविटी बढ़ाना कैसे करना,
वो घर से शुरू करना होगा। और साथ में उन्होंने बताया कि थिंकिंग जो है वो थिंकिंग पे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छा पानी बचाव के लिए बताया कि अभी जो फुवारे पे स्नान कर रहे हैं उसकी जगह आप डोल या बैकेट से स्नान करके पानी का बचाव करने के लिए भी एक उन्होंने सुझाव दिया और वहाँ से प्रोडक्टिविटी शुरू करने का एक ऐलान किया। साथ में उन्होंने बहुत अच्छे एक ऐलान किया कि अभी जो एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है और आबादी बढ़ रही है, तो बड़ौदा के प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बड़ौदा शहर में जो टेरेस हैं तो टेरेस में अपना साग भाजी खुद अपने अपना जो जहरीला बाजार में मिलता है दवाई छिड़काव वाला, इसकी जगह हमारा खुद की प्रोडक्ट हमारे टेरेस पर करें तो भी हमारा ये बहुत अच्छी ये प्रोडक्ट की दे के हमारा जीवन को बदल सकते हैं, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया है। और आज खास करके अभी जो विनर आए थे तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री वाले थे, शुद्ध केमिकल वाले थे, विद्या डेयरी वाले थे, बड़ौदा डेयरी वाले थे और शैली इंजीनियरिंग वाले थे, स्कूटर वाले थे और साथ में वेरियस टेक्नोलॉजी वाले भी आए थे, पीजीपी ग्लास वाले आए थे। गुजरात के वडोदरा के समलाया में बिना किसी ठोस वजह के कामदारों को हटा दिए जाने पर कामदारों में आक्रोश देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा के सावली के समलाया निकट मीना सर्किट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाहर कामदार धरने पर बैठे हैं। 34 जितने कामदारों को एक साथ कंपनी प्रबंधन ने कंपनी से निलंबित कर दिया है, जिसके चलते कंपनी के कामदारों ने हड़ताल कर दी है। इन कामदारों ने नर्मदा भवन में लेबर कमिश्नर और श्रम रोजगार मंत्री को आवेदन पत्र भी दिया है। कामदार अपनी लंबित मांगों को पूरी करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही नौकरी पर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो कामदार अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। आज हमने 90 दिवस से हमने सस्पेंड करेला है। आज कोई भी सरकारी ये हमारे जोड़े वारे हमारे आईला नहीं। અને આજે યોગેન્દ્ર ચાવડા નામના એચઆર સાહેબ છે એ અમને વારંવાર અંદર હેરાન કરતા હતા। આજે 90 દિવસથી અમે અહીંયા આગળ બેઠા છીએ। અમે આવા તાપમાં કાળઝાળ તાપમાં અમે અહીંયા આગળ બેઠા છીએ। અમારી વારે કોઈ આવતું નહીં અને હવે પછી 3-4 દિવસમાં અમારું કોઈ નિરાકરણ નહીં આવે તો અમે અમારા પરિવાર સહિત અહીંયા આગળ આવીને ગેટ ઉપર ખૂબ હડતાલ કરીશું।